अब खबरें विस्तार से। कोरबा के ग्राम तिलकेजा स्थित धान खरीदी केंद्र में उस वक्त विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जब प्रभारी ने 5 किसानों को यह कहकर चलता कर दिया कि उनका धान अमानक है। बस इसी बात को लेकर किसान आक्रोशित हो गए और केंद्र के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में जब हमने प्रभारी से बात की, तब उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से नकार दिया। जैसे जैसे धान खरीदी की तिथि समाप्ति की तरफ आ रही है, वैसे वैसे केंद्रों में किसानों को परेशान करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। कोरबा के ग्राम तिलकेजा स्थित धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आए 5 किसानों को यह कहकर चलता कर दिया गया कि उनका धान अमानक है। धान में नमी होने के साथ ही जड़ भी निकल आया है, लिहाजा प्रभारी ने धान लेने से मना कर दिया। फिर क्या था, किसान आक्रोशित हो गए और धान खरीदी केंद्र के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने के साथ ही पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। हम ये समस्या लेके बैठे हैं कि हमारे किसान मन संग दुर्व्यवहार होती, सही समय में बोरा नहीं मिले और ओकर बाद में टोकन ओकन में भी हेरा फेरी होते, पैसा लेके भी धान है तुम्हारे खराब है, ऐसे हो ऐसे करके हम बोले जाते। और हमारे सबसे बड़ा समस्या है, कल के डेट में हमार जो किसान भाई है तेकर संग बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुए है, गाली गलौज के धमकी ये सब चीज़ के लिए बोले गए है। धान खरीदी केंद्र में एक किसान ने फड़ प्रभारी पर केंद्र में घुसने नहीं देने का आरोप भी लगाया। किसान ने बताया कि जब वह अपना धान लेकर भीतर घुसा, तब गेट बंद कर दिया गया और उसके साथ धक्का मुक्की की गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया, जिससे उसके हाथ के अंगूठे में चोट भी लगा है। तो धान और घुसा था अंदर, तो मैं भी अपने धान घुसाने के लिए दरवाजा खोलने गया तो कुछ लोग मेरे को धक्का दिए, धक्का दे के रेबे का गाली गलौज किए। तो मैं बोला तुम लोग कौन होते हो भाई मना करने वाले, मैं बोला मंडी वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब दोनों 4-6 लोग मिल के मेरे हाथ मेरे को धक्का दिया और दरवाजा दोनों दरवाजा के बीच मेरे हाथ को डाल के इतना सिर तो बाल बाल बचा है सिर में, जोर से दरवाजा को धक्का दिए। कहाँ पे चोट लगे अभी आपको? मेरे बाएं हाथ का अंगूठा। किसानों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में जब हमने फड़ प्रभारी से बात की, तब उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि धान अमानक था, लिहाजा उन्होंने किसानों को धान वापस ले जाने को कहा। जड़ी वाला धान नहीं चलेगा क्योंकि इसमें चावल निकल नहीं रहा है। अब उस बात से आक्रोशित होकर झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि ज़्यादा तौल रहे हो, कभी बोल रहे हैं कि रात के 10 बजे गाली गलौज किए हो। अब आप ही लोग बताइए कि क्या यहाँ 9-10 बजे किसी को आना अलाउ है बाहरी व्यक्तियों को? यहाँ तो शाम को कार्य बंद हो जाता है सब, तो हमारा गाड़ी लोडिंग है, स्टेक का काम है, ये चलता रहता है, लेकिन बार बार मैंने अपने ही बात पे वो लोग अडिग हैं। किसानों के प्रदर्शन से मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, लिहाजा पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। काफी समझाने के बाद विवाद समाप्त हुआ और किसानों ने धरना समाप्त किया। कोरबा से सरोज रात्रे की रिपोर्ट।